तो ऊपर बुआ का घर है और अभी मैं नीचे यहाँ रोड पर आई हुई हूँ। जस्ट घर के नीचे रोड है। गाइस देखो, ये बुआ के घर आके काम कर रही है, सब्जी बना रही है। आज ये पहली बार बना रही होगी। पहली बार, रोज घर पे बनाती हूँ, पर आज मैं आज पहली बार बना रही हूँ। अभी हम ये पेट्रोल पंप पे यहाँ पे खड़े हैं। हमारी गाड़ी जो है पेट्रोल भराने के लिए गई हुई है, पता नहीं कहाँ चले गई। तो अभी हम थोड़ा सा आगे को जाते हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे से ले रहे हैं फ्रूट। तो गाइस हमारी गाइस और अभी इससे पहले हमने मिठाई ली और अभी फ्रूट्स ले रहे हैं, फिर हम जाएंगे आगे। हमने शॉपिंग नहीं है, ये खाने का सामान है, मिठाई और फ्रूट्स वगैरह ले लिया है। और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी के पास को आगे को। गाड़ी जो है ना वो आगे गई हुई है पेट्रोल डलाने के लिए। तो अभी हम वहाँ तक पैदल जा रहे हैं। गाइस अभी हम पहुंच गए हैं तिकोनिया और ये गाड़ी वाले अंकल जी पता नहीं कहाँ चले गए, इन्होंने हमें इतना पैदल चलवा दिया वहाँ रोडवेज से पूरा तिकोनिया तक। ये देखो, और आज मैं काफ़ी टाइम बाद हल्द्वानी आ रही हूँ। अपने कॉलेज टाइम के बाद तो मुश्किल से ही आना हो पाता है इधर। तो गाइस अभी यहाँ पे से थोड़ा आगे मेरा कॉलेज है, जहाँ से मैंने कॉलेज किया है। तो अभी मैं आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगी। हल्द्वानी की दुर्गा सिटी सेंटर, और यहाँ से मेरा कॉलेज स्टार्ट होता है। और अभी ये है कॉलेज का मेन गेट, यहाँ से मैंने अपना बीएससी और एमएससी किया हुआ है। यही से पढ़ा है, यही से। हाँ वही तो, पूरे 5 साल। और ये जो है ना कॉलेज का बीच वाला गेट था, हम यहीं से जाते थे अंदर। अभी एक गेट और आएगा, कॉलेज के 3 गेट है ना, और एक गेट ये है, मतलब एक रास्ता ये है यहाँ से भी हमारे कॉलेज को। ये वो पार्क है जहाँ हम काफ़ी घूमा करते थे, बैठा करते थे इन पार्कों में, यहीं पत्ते खेलते थे बैठ के। अच्छा गाइस, और वो सामने है वॉक वे। इस वॉक वे में मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, हो गया हल्द्वानी में 5 साल रहते, सिर्फ एक बार। यहाँ पे तो ये देखो बाजार इंडिया मॉल ही मॉल है इधर। एक और था यार V2, पता नहीं वो निकल गया शायद। अच्छा तो भाई अभी हम पहुँचे हैं काठपुरम, जहाँ मैं रहती थी ना। अभी मैं आपको वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगी। ये है यहाँ पे सेंटर स्कूल, और ये आ गया खोपचा। नहीं, निर्मला कॉन्वेंट स्कूल से अंदर को हम रहते थे। बहुत अच्छा एरिया है खोपचा। नहीं है वो, हाँ यार ये देखो, इतने अच्छे एरिया में रहती थी मैं। यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है पूरा। और अब यहाँ से जो है हम पार्क को जाना स्टार्ट है। इस बार नए रास्ते से आ रहे हैं, अगली बार अगले रास्ते से, रास्ते में जाने जैसा नहीं कर रहा बस। गाइस इस रास्ते से ना मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। पिछले बार यानी कि काफ़ी टाइम पहले जब मैं गई थी ना, इधर से बहुत हालत ख़राब हो गई थी। आज देखते हैं कि मैं कैसे जाती हूँ। 2:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे ऐसा ड्राइवर अंकल जी कह रहे हैं। ज़्यादा सर में दर्द हो गया, पता नहीं कब तक हम पहुँचेंगे। तभी ये रास्ता मुझे बेकार लगता है जाने के लिए। गाइस यहाँ का व्यू भी तो सुंदर है। अभी हम ना एक शॉप पर रुके पड़े हैं, यहाँ पे फास्ट फूड पे मिलता है। तो अभी हम खाएंगे इधर मोमो, क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाया भी नहीं है सुबह से। इतना बढ़िया है देखो इधर,
सुबह से नहीं सोई हूँ यार, थोड़ी देर सोई बस। पहाड़ में भी मोमो खा के हम आ गए और अब हम फिर जाते हैं आगे को। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मिंडार में, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर और है जहाँ मुझे जाना है। ये देखिए यहाँ का व्यू पहाड़ का, कितना सुंदर है। पहाड़ की तो बात ही अलग होती है, लेकिन मेरी बहुत हालत ख़राब हुई है। तो गाइस यहाँ पे जो है स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है, ये लोग भी आ गए हैं और इस साइड से आए, इस गाड़ी में आए हम। ये पहुंच चुकी हूँ अपनी बुआ के घर पे। रुक जाओ ना, 2 मिनट बोलने दो। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी बुआ के घर पे, यहीं आना था मुझे। और क्यों आना है ये आप मेरे कल के व्लॉग में देखेंगे। गाइस मैं बता क्यों, गाइस इसने इतनी उल्टी कर रखी है, गाइस क्या ही बताऊं। छी देखने जैसी नहीं, गाड़ी से उतरने जैसा नहीं कर रहा गाइस, बिल्कुल एकदम बेकार। और मोंटो से पहले मैं घर पहुंच गई थी और उसके बाद आते ना मैं सो गई थी क्योंकि बहुत सर पे दर्द हो गया था। और अब जो हम खाना खाएंगे, तो गाइज ये बिच्छू घास यहाँ का पहाड़ का, एक बार जिसे लगता है ना इतना खतरनाक लगता है, फिर कैसा लगता है फिर लगा के बताओ। वो उसे हाथ लगाना भूल जाता है, हाथ लगाना भूल जाता है या। तो गाइज अब जो है ना शाम हो चुकी है और थोड़ा सा आपको मैं शाम का नज़ारा दिखा देती हूँ। यहाँ का पहाड़ में इतना बढ़िया हो रहा है सीन देखिए। और ये सामने बैठा हुआ है भाई, ये जो है ना फर्स्ट व्लॉग में मेरे आया हुआ है और इसने मेरे व्लॉग की एडिटिंग करी थी। तो ऊपर बुआ का घर है और अभी मैं नीचे यहाँ रोड पर आई हुई हूँ, जस्ट घर के नीचे रोड है। और गाइस देखो ये बुआ के घर आके काम कर रही है, ये सब्जी बना रही है, आज ये पहली बार बना रही होगी गाइस। पहली बार रोज घर पे बनाते हैं, पर आज ना आज पहली बार बना रही हूं। नहीं पहली बार नहीं, घर पे भी काफी बार बनाया है मैंने। गाइस मुझे लग रहा है आज खाएंगे लोग, भूखे सोएंगे शायद। और इसके फूफा जी को अगर खाना पसंद नहीं आए तो सोच लो। तो गर्म तो होगा फिर आग में, सड़े सी नहीं आती यहाँ गाँव में, सड़ेसा होता है गाँव। गाइस देखो अभी आलू डालेंगे और इतना टेस्टी बनेगा ना, क्योंकि मसाले तो होता बहुत टेस्टी है लेकिन जो इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है ना। कोई नहीं बेटा, किसी चीज़ के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में। और कुछ भी धुआं लग रहा है आँखों में। और मैंने तो ना काम किया गाइस, आते ही घर वालों ने काम में लगा दिया मुझे। गाइस सड़ेसी लेके आया हूँ गाइस, तो गाइस ऐसी सड़ेसी होती है, तेरी नाक थोड़ी पकड़नी है उसमें। गाइस ये देखो ये ना इसको पकड़ना नहीं आ रहा, अभी कहेगी मैं पहाड़ में जाके खाना बनाऊंगी। कैसे बनाएगी ये? अबे गाइस कढ़ाई पकड़ नीचे से बेवकूफ। हाँ ये ऐसे साइड से, अब दूसरे हाथ से उगर काम चोर कहीं की। देख ऐसी हरकत देख ली गाइस तुमने इसकी, अब गए अभी देखो आग जल्दी करी, गैस कम कर दो। मैं कह रहा हूँ ये कल जैसे अदरक के लिए बोल ली थी ना, वो कितना हल्दी को अदरक और आज आग को गैस बोल ली। और बेटा पूरा मिलना चाहिए मसाला, आज तक इसने जिंदगी में इतनी सारी सब्जी एक साथ नहीं बनाई ना, तो इस बेचारी को हिलाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है बेचारी। ये देखो अभी धुआं आग में अपनी जोर जोर की कार्बन डाइऑक्साइड फेंकती हुई लड़की पूरी मेहनत करती हुई आज। कल मैं इसे पेड़ों के बीच में ले जाऊंगा, पहले ऑक्सीजन लेगी तब उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल गया, चमत्कार हो गया। और बाहर नीचे जो दूसरा किचन है वहाँ तो लाइट है, बट अभी खाना जो है ना आग बनाने मतलब सभी। यहाँ पे जो है सब्जी रेडी हो चुकी है और तवा रख दिया है, अभी रोटी बनाएंगे। पहाड़ों में ना ऐसे ही बनाया जाता है, जो आग वाला चूल्हा होता है ना उसमें ऐसे ही बनाया जाता है मतलब। और अभी यहाँ से मैं रोटी बना के दूंगी आगे को और बुआ आगे से जो है रोटी को सेकेंगी। और गाइस अभी मोंटू ना यहाँ पे छुप के पता नहीं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो मोंटू? गाजर काट रहा हूं, गाजर ये छुप के काट रहे हैं मेरे से, मैं खा लूंगी करके देखो। और अभी तक ना लाइट नहीं थी, अब जाकर यहाँ पे लाइट आई है।
आपको देख रही है रोटी बनाने लगी है यहाँ पे हम मम्मी पापा दोनों लोग बैठे पड़े हैं। पहली रोटी बना दी वहां से लेना बेटा अंदर से मैं कहां से दूं। ये पहली रोटी बन गई है इसकी रोटी। मम्मी ने पहली रोटी बना भी दी है। ये यहाँ पर रोटियां बन रही हैं। अगर इसको अगर कम पड़ी तो ये फिर आटा गूंदेंगे। इसके लिए लाए इसलिए यहाँ काम कराने के लिए। ये रोटियां बन रही हैं और आग की रोटी खाएंगे बड़े दिनों के बाद हम। रोटियां जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। खाना आधे लोगों ने खा लिया है, बाकी हम लोग बचे हैं। हम इतने लोग बचे हुए खाने के लिए। ये मैं भी पे। और अभी हम खाना खाएंगे और अपने इस व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूं। तो अपने इस व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने एक नए अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।